अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो गैस आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पॉकेट। तो उसके लिए मैंने ले ली है एक चम्मच इधर मस्का, अमूल मस्का। तो इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मैदे का आटा। और एक भी चीज़ स्कीप मत करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना और ये रेसिपी आप ज़रूर बनाना। फिर इसके अंदर हमारा मैदे का आटा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 कप दूध। दूध ठंडा भी रहेगा तो चलेगा, गर्म दूध भी रहेगा तो भी चलेगा। फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के क्रीम बना लेंगे, बैटर बना लेंगे वाइट वाला, आप इसको सॉस भी बोल सकते हो, वाइट सॉस। अच्छे से लम्स निकाल लेंगे इसके, दूध की और ज़रूरत है तो और डालेंगे। और एक अच्छी सी फ्रेश मतलब सॉस बना लेंगे हमारा। तो देखिएगा इस मस्त वाला इधर अच्छे से सॉस बन चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हमारी थोड़ी सी इधर वेजिटेबल डालेंगे। तो मैंने डाल दी पत्ता गोभी, गाजर, कॉर्न, ये भुट्टे को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर ली थी कॉर्न को। और मेन इसके अंदर चीज़ है ये हमारे बॉईल किए हुए चिकन, जिसके मैंने रेशे निकाल ली थी, ये भी ऐड कर देंगे। अच्छे से सब चीज़ों को हम भून लेंगे। उससे पहले मैं डाल दूंगी इधर चिली फ्लेक्स और मेल्ट कर लेंगे हमारे सॉस के अंदर सभी चीज़ें जो भी हमने डाले। उससे पहले हम इधर डाल देंगे सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी जितनी भी सब्जी है। और भी चीज़ें इसके अंदर बाकी है, कोई भी चीज़ स्किप मत करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। फिर अभी हम उसको उतार लेंगे गैस से। उतारने के बाद हम इसके अंदर और भी चीज़ मिलाएंगे, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी और मिलाएंगे। उसके बाद हम भरेंगे इधर पॉकेट। उससे पहले मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मेयोनीज। आपको डालना है तो डालो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इधर बना रही हूँ पॉकेट। तो आपको अगर इधर समोसे बनाना तो आप समोसे भी बना सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक मैंने मैदे का गोल बना ली चिपकाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर देखना मैं कैसे बना रही हूँ और वैसे ही बनाना, और ज़रा भी इसको स्किप मत करना, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो देखिए इधर मेरी पॉकेट बन रही है, चारों साइड से गोल लगा लेंगे, फिर एक साइड से इधर से फोल्ड करेंगे, फिर एक साइड से उधर से फोल्ड करेंगे, ऐसे करके पॉकेट बना लेंगे। तो काफ़ी सारी हमारी पॉकेट बन चुकी है। इधर अब आती है बारी तैयारी करने की, इफ्तारी की यानी कि फ्राई करने की। तो इधर मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि मैं और भी चीज़ें फ्राई कर रही थी, उसी के साथ मैं पॉकेट भी फ्राई कर रही थी।